योग सप्ताह शुरू हो गया है, आज आप किला परिसर में सेलिब्रिटी के रूप में आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आयुष विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है और मैं समझता हूँ हमारे यहाँ रामपुर में नहीं पूरे विश्व में ये कार्यक्रम चल रहा है और इसका 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो होने जा रहा है तो सब मनाने जा रहा है, पूरे हमारा भारत ही नहीं मना रहा, पूरा विश्व इसको मनाने जा रहा है। आज आपने खुद भी योगा किया और बहुत सारे लोग थे, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए, जज्बे को क्या कहेंगे? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आज हमारे हिंदू मुसलमान सभी माता बहनें यहाँ सब बैठी थी, उन्हें देख के बड़ा अच्छा लगा क्योंकि कोई पक्षपात नहीं था और हमारे गुरुजी योग सिखा रहे थे, सब लोग सीख रहे थे और मैं समझता हूँ एक जो भाईचारा जो हमारा गंगा जमुना तहजीब है हमारे रामपुर की, तो यहाँ देखने को मुझे मिली। आज देखा जाता है कि जब कोई दिवस आता है योग दिवस या ये कार्यक्रम तभी चलते हैं फिर समाप्त हो जाते हैं, तो इसके लिए लगातार क्यों नहीं होता फिर यहाँ? नहीं, लगातार का हमारे यहाँ सद जाम रह रहे हैं, रोशन बाग है वहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी लगातार रोजाना हो रहा है। योग दिवस के बाद भी चलेगा? हाँ, ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, किला परिसर के ग्राउंड में योग का शिविर चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये योग का शिविर 2 महीने हो गए, लगभग 1-2 महीना हो गया है, जिला अधिकारी के निर्देशन से यहाँ शुरू हुआ और ये लगातार जारी रहेगा। योग सप्ताह, जैसे अब योग सप्ताह चल रहा है 15 से 20 तक योग सप्ताह, 21 जून को हमारा कार्यक्रम है फिजिकल ग्राउंड में, उसके बाद भी यहाँ लगातार जो है योग कार्यक्रम जारी रहेगा। अच्छा, देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं जुड़ रही हैं, इसको लेकर कैसा मैसेज देख रहे हैं? ना ना, यही तो है गंगा जमुना तहजीब, है ना, जिसमें सब मिलकर, क्योंकि स्वास्थ्य सब कुछ ही है, सबको स्वस्थ होना है तो इसलिए सबको मिलकर के जो है योगा करना है, योगा से ही स्वस्थ होंगे। अच्छा, आज सांसद महोदय आए थे, अब लगातार ये सप्ताह है तो अब कौन से सेलिब्रिटी आने वाले हैं? न, प्रयास हमारा रहेगा कभी वो आए और इसका जो इस सत्र में शामिल हो, जिससे ये हौसला अफजाई हो, है ना, जो योगा करने वाले हैं उनको देख के और भी योगा करने में बढ़े। अच्छा डॉक्टर साहब, जो घर में बैठे लोग हैं घबराते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप उनको क्या कहेंगे ताकि वो आपकी बात से किले में आ जाए या दूसरे ग्राउंड में आ जाए? हम उनसे अनुरोध करेंगे कि भाई स्वस्थ रहना है तो योग कर, और सामूहिक योग का बहुत असर होता है, सब लोग अपने घर में करते हैं पर सामूहिक योग का करना, उसे प्रेरणा मिलती है, उसे आगे के लिए और योगा करने के लिए प्रेरणा मिलती है एक दूसरे को देख के, इसलिए सामूहिक योग का अलग महत्व है। ठीक है सर, धन्यवाद।